नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। देहरादून वासियों को विकास की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जनपद पौड़ी की जनता को भी सौगात मिलेगी। कई विकास योजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे सीएम, विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार हर बीजेपी शासित राज्य में जनता को साधने के लिए, हर वर्ग को साधने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। और आज देहरादून वासियों को सीएम धामी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, सीएम धामी जिस तरह से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, उम्मीदें जनता को ज्यादा है। और सीएम धामी हमेशा ये कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीब उत्तराखंड है और उत्तराखंड को संवारने के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार केंद्र उत्तराखंड की सहायता करता रहा है। और अब सीएम धामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को देने जा रहे हैं। जनपद पौड़ी की जनता को भी सौगात दी जाएगी। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम ऐसे में जिस तरह से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और उम्मीदें भी जनता को ज्यादा है, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगातें सरकार की ओर से दी जा रही है। अधिक सशक्त उत्तराखंड कैसे बन सकता है, इसी पर सरकार का फोकस है। और उत्तराखंड जो है वो देश के जो अन्य राज्य हैं उनमें अग्रणी पंक्ति में आ जाए, इसी पर सरकार का फोकस है। सरकार, शासन और सरकारी पूरी मशीनरी जो है वो इसी पर लगी हुई है। और मुख्यमंत्री लगातार जो है वो जनपदों का भ्रमण कर रहे हैं। देहरादून के विकास कार्य की योजनाओं की आज मुख्यमंत्री आधारशिला रखने वाले हैं, कुछ का लोकार्पण करेंगे, कुछ का शिलान्यास करने वाले हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि देहरादून की जनता को मुख्यमंत्री विकास की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ साथ अलग अलग समय पर अलग अलग जनपदों के मुख्यमंत्री ने दौरे किए और दौरे के दौरान न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं, बल्कि जो विकास की योजनाएं जिन क्षेत्रों को पहले से विकास की दरकार थी उन योजनाओं की शुरुआत भी कर रहे हैं। और एक संदेश भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं रोड शो के माध्यम से, सभी जनपदों के जो लोग हैं, सभी जनपदों की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि सरकार आपके साथ है और जो सरकार ने पहले जो वादे किए उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज के कार्यक्रमों को देख सकते हैं। आज देहरादून से लेकर कोटद्वार तक, हरिद्वार जो पौड़ी जनपद है कोटद्वार में, वहां मुख्यमंत्री रोड शो करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो लाभार्थी सम्मान समारोह है उसमें शामिल होने वाले हैं और देहरादून में तमाम विकास की योजनाओं का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार का संकल्प है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। बने रही सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम धामी लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़ी सौगातें जो हैं वो जनता को दे रहे हैं। इसके साथ ही जनपद पौड़ी की जनता को सौगात दी जाएगी, कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। और देखिए किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले डबल इंजन की सरकार अपना कामकाज जो है वो बढ़ा रही है, विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार वापसी करती है तो आने वाला जो भविष्य है उत्तराखंड का वो और बेहतर होगा।